इंस्टीट्यूट खोला गया है जिसमें मैं देखता हूँ कि बाहर से जो बिहार से यूपी से दिल्ली से बाहर से जो बच्चे आते हैं इधर उधर भटकते हैं और बहुत जगह तो मैं देखता हूँ बच्चों का शोषण होता है। तो मैं सोचा कि एक यहाँ इंस्टीट्यूट खोलता हूँ जिसमें भटकते हुए लड़कों को लड़कियों को जो बाहर से आए हैं यहाँ उनको एक अच्छा गाइडलाइन दे सकें हम लोग ताकि भटकाव से बचें और गलत लोगों की संगति में ना जाएं। इन सब सारी चीज़ों को देख के क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत जगह ठगा जा चुका हूँ इसलिए मैं चाहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारे बाद यहाँ मुंबई में आ रही है वो भटके नहीं उसका कोई शोषण नहीं करे। गाइडलाइन क्या होगा जैसे कि यहाँ हम फिल्म से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाएंगे कैसे कैमरा फेस करते हैं एक्टिंग का क्या मूल चीज़ क्या होता है वो मूल एक्टिंग सिखाएंगे और डांसेस सिखाएंगे और सिनेमा की तकनीक सिखाई जाएगी कि एक एक्टर को क्या क्या चीज़ें चाहिए एक कैमरा फेस करने के लिए वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएगी। ऐसे मुंबई में काउंसलर्स इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं तो फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अलग कैसे है? तो अलग इसलिए है कि हम खुद प्रोडक्शन भी करते हैं। मैं खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ और मैंने फिल्म बनाई है शहीद आजम और अभी दूसरी मूवी मैं करने जा रहा हूँ दिलिया। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारे स्कूल से पास आउट होंगे उन्हीं बच्चों को मैं लूँगा उस फिल्म। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनसे भी हमें ज़रा रूबरू कराएं और उनका भी थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। ये हमारे गुरुजी हैं और मुंबई में मैं इनकी बदौलत हूँ और शिवसेना के क्या बोलते हैं संगठक हैं पूरे भारत के शिवसेना के संगठक हैं और कुछ चीज़ें हैं जो गुरुजी खुद बताएंगे जो मैं नहीं बता सकता उतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ बता सकता। पूरा परिचय के साथ सबसे पहले तो मैं अरुण पाठक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा दिया मिश्रा जी और ननन मिश्रा जी को। उन्होंने अपने इस नायाब उपक्रम जो उन्होंने चालू किया है उसका श्रीगणेश मेरे हाथों करवाया। आप मेरी हाइट बॉडी पे मत जाइए, हाइट बॉडी के हिसाब से हमारा कोनो रोल नहीं है मतलब हीरो हीरोइन बनने का। अब देख रहे हैं यहाँ से दिया मिश्रा जी हैं, नंदन जी हैं, अरुण भैया खुद हैं, लेकिन मेरा असली परिचय ये है कि मैं हिंदी शिक्षक हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के पोते आदित्य ठाकरे को मैं हिंदी पढ़ा चुका हूं। और इतना ही नहीं फिल्म जगत से भी मेरा संपर्क है। बाहुबली की हीरोइन तमन्ना भाटिया भी मेरी शिष्या है और भूमि पेडनेकर भी मेरी शिष्या में से एक है। और मुझे पूरा यकीन है इन्होंने जो संस्थान का नाम रखा है काजल क्राफ्ट एंड विजन, बिहारी आदमी उत्तर प्रदेश का आदमी और उसके पास क्राफ्ट तो होता ही विजन तो होता ही तभी 2000 किलोमीटर दूर से यहाँ आके झंडे गाड़ लेता है। उन्होंने काजल पहले ही लगा दिया क्योंकि उनको मालूम है कि सफलता मिलने ही वाली है किसी की नज़र न लगे। और मैं उन महान लोगों को मानता हूँ कि जिन्होंने एक बिहारी को भी ठग लिया ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए सरकार किसी की भी हो जमीन पे सत्ता शिवसेना की ही रहती है मुंबई में। अब तो सरकार भी हमारी है और सत्ता तो खैर हमारी है ही है, आपको कोई ठगने नहीं पाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार से शासन प्रशासन से कोई भी तरह की आपको शिकायत नहीं मिलने पाएगी। कोई शिकायत और हम हैं शिवसेना पार्टी आपके साथ है, आप खुद शिवसेना के उम्मीदवार भी रह चुके हैं बेतिया से है ना विधानसभा से, तो निश्चित तौर पे आपके साथ पार्टी भी रहेगी। और यह बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है उत्तर प्रदेश बिहार के जो कलाकार आएंगे यहाँ शोषण का शिकार होंगे या दर दर भटकते हैं उनको एक मंच एक प्लेटफॉर्म देने का बहुत ही नायाब उपक्रम इन्होंने किया है। मैं उनके लिए साधुवाद देता हूँ और आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप इस पर से प्रचार ऐसा कीजिए कि चारों तरफ इनकी धूम मचे और जो काजल लगाया है वो वाकई सार्थक हो जाए उसमें। जी जी आपको कहना चाहते हैं जी आप पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आज सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे आए इतनी सारी बातें आपने सुनी इन बातों के बाद सबसे पहली जो प्रतिक्रिया है आपकी तरफ से वो क्या है? एक सवाल आपने किया था अरुण भैया से कि आपके यहाँ ऐसा क्या है हाईलाइट क्या है यहाँ का कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैं कुछ अलग क्या दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक्टिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे तो वहाँ सिर्फ एक्टिंग के बारे में 3 महीने का एक बिजनेस जैसा चल रहा है उनके पास, 3 महीने का कोर्स है वो देते हैं कि ये चीज़ करो ये करो एंड करते हैं उनका काम ख़त्म हो जाता है। सबसे पहला बेनिफिट हमारे यहाँ का ये होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ेंगे उनका 100% प्लेसमेंट होगा यहाँ पे।
क्योंकि हमारा ऑन हाउस प्रोडक्शंस है सीरियल और मूवीज़ का। दूसरा ये कि एक्टिंग, एक एक्टिंग करने से बहुत सारा रास्ता खुलता है जो यहाँ के स्टूडेंट को पता नहीं है। वो एक्टिंग करते हैं, अपनी मूवी का डबिंग करते हैं जाके, बस वहाँ पे उनका फिनिश हो गया, पर हम वॉइस ओवर का स्पेशल ट्रेनिंग देंगे उनको। तीसरी बेनिफिट ये है कि यहाँ जो भी फैकल्टीज़ है वो NSBN है। आपको मैं बताऊँगा कि गोविंद पांडे अभी धड़क मूवी आई थी, उसमें फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं, GTV पे सीरियल भी कर रहे हैं। तो अच्छे अच्छे जो थिएटर से भी और मीडिया से भी जुड़े हुए लोग हैं, जो उनका कंबाइन एक मसाला होगा वो मिलेगा बच्चों को, जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा उनके लिए। क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग अभी बहुत सारी जगह जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्लासेज, अभी इतनी सारी एक्टिंग क्लासेज हैं, लेकिन उसमें क्लासेज में स्पेशल क्या होता है, एक फैकल्टी में जो भी आता है उसमें सब चीज़ें होती है। डांसिंग आना चाहिए, आज कल भी आदमी सोचता है कि अगर मुझे डांसिंग नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है। तो डांसिंग के लिए, एक्टिंग के लिए आज की डेट में ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि इन्होंने बताया कि हम लोग वॉइस रिकॉर्डिंग सब चीज़ें कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अच्छा बेस्ट किसी को कुछ मिलेगा। अभी आपके आसपास जहाँ हम लोगों ने ये ओपन किया है उसके आसपास बहुत सारे डांस क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पर एक्टिंग के साथ डांस जो दोनों मिला, कंबाइन मिलना मुश्किल है। उसके साथ हम लोग अभी इसको अभी थोड़े तरीके से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे हम इसे और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ फैकल्टी के तौर पर हम लोगों ने अभी डांसिंग ओपन किया है, अभी ये टीचिंग जो भी करेंगे सर। लेकिन बेसिकली क्या है, मैं एज अ डांसर मैंने बहुत काम किया था, लेकिन मुझे पता है कि डांस का बीट नॉलेज आपको बेसिक कहीं से भी नहीं सिखाया जाएगा। आप जाएंगे आपको एक म्यूज़िक प्ले करके दिखा देंगे कि आपको इस म्यूज़िक पे गाना करना है, लेकिन जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप कैसे करेंगे। तो आप एक्टिंग के साथ में जब आप एक्टिंग सीख रहे हैं आपको वो टाइम बचेगा, उस समय आप डांसिंग भी सीखेंगे। तो जो जब आप रेडी होंगे तो दोनों तरीके से रेडी होंगे। आज टाइगर श्रॉफ ने जब स्टार्ट किया था सबने देखा है उनकी मूवी, पहले उनकी एक्टिंग देखी है और अब मैं एक्टिंग देखी है। डांसिंग उनको बहुत अच्छा आता था लेकिन एक्टिंग में, अभी उनकी एक्टिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि उनको अपना टाइम मिल गया। शायद ही बहुत कम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनको बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा मौका कि वो पैसा ले के सीखते हैं। ये सिर्फ हम सेलिब्रिटी के पास ही मिलता है कि शायद ही उनके माँ बाप का नाम रहता है तो लोगों को पैसा दिया जाता है और उनको सिखाया जाता है, लेकिन हमारे क्लास में हम लोग इसमें नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है अभी हमारे, पटना दूरदर्शन के लिए भी सीरियल है हमारा आंचल में चांद, और स्टार प्लस के लिए भी है सीता, तो ये हमारा ऑन हाउस प्रोडक्शन है, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट यहाँ से है उन्हीं को हम कास्ट करेंगे। अच्छा अरुण जी, सवाल ये है कि जैसे मैं किसी बड़े ही रिमोट इलाके का रहने वाला एक छोटा सा आदमी, मैं कैसे ही मुझे ये बात पता चलेगा, मैं कैसे आपको कॉन्टेक्ट करूँ अगर मैं इंटरेस्टेड भी हूँ कि आप मेरे गुरु बन जाएं और मुझे एक्टिंग के गुरु सिखाएं? मतलब जो दूर दराज गांव से जो आता हमारे बारे में कैसे जानेगा? तो ये हमारे पत्रकार, हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये हमारी हमारी प्रतिष्ठान के बारे में बताएंगे लोगों को अपने माध्यम से, और सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वेबसाइट हमारा ओन वेबसाइट भी है, और उस वेबसाइट के थ्रू हम लोगों को बताएंगे, और पब्लिसिटी भी करवाएंगे, हम चारों तरफ पोस्टर्स लगवाएंगे, ऐड करवाएंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी हम लगे हुए हैं इस पर कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, चीज़ें पहुँचे, क्योंकि ये ऐसे तो अब मैं सिर्फ UP बिहार के लिए ये नहीं डाला हूँ, ये पूरे इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो भी बच्चे हैं निधि हैं उनको मैं करूँगा, पर हमारे यहाँ के बच्चे जो UP बिहार से आते हैं उनको यहाँ कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। आपने ये प्रॉब्लम है, आपके डिक्शन में प्रॉब्लम है, आपका लैंग्वेज ऐसा है, जबकि हरियाणवी भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, उनका भी एक अलग टोन होता है, उनको कोई नहीं बोलता, हम लोगों को बोलते हैं कि तुम ऐसा हो वैसा हो। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये भी रहेगा कि मैं उन लोगों को उस लायक बनाऊँ, वन मैन आर्मी जिसको बोलते हैं, कि उनको कोई उन पर कोई उंगली ना उठाए, कि 3 months 4 months अगर यहाँ से सीख के जाए तो उनको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। अरुण जी, कैसे बेसिकली कोर्सेज कैसे डिजाइन किए गए हैं और कोर्सेज सारे हमारे बोर्ड पे हैं, और कोर्सेज का जो ये फैकल्टी है हमारे यहाँ मेन, यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और ये सारा कोर्सेज के बारे में ये बताएंगे, क्या क्या कोर्सेज होंगे, क्या ड्यूरेशन होगी और क्या इसके लिए आप पैसे लेंगे।